यूट्यूब चैनल नमन ब्लॉग्स पे। गुड मॉर्निंग, सुबह 10 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा काम तो घर अंदर का हो चुका है, बाहर का पड़ा हुआ है। अब शो तो अभी सबके लिए बना लूँ कि एक दो दिन हो चुका है, वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो मैं पूरा काम कर लूँगी, फिर आपको दिखूँगी क्या तो काम मेरे क्या क्या बचा है वो आपको दिखाती हूँ। और अब शो क्या करें से पहले वो दिखाती हूँ। मेरा फेस इतना ब्लैक ब्लैक हो रहा है आज तक, तो मेरा सुबह सुबह ही काम रहता है, इसलिए शुभ नहाने धोने के बाद कोई काम जल्दी नहीं बचता है, थोड़ा बहुत ही बचता है, लेकिन सुबह सुबह मेरा काम रहता है। तो पहले दिखाती हूँ अब शुभ क्या कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे नीचे? ओ कीड़ी गई, कीड़ी। तो लड़की नीचे ही सोती ज्यादा था, तो वहाँ पे मेरे को झाड़ू लगा के कचरे में इकट्ठा किया था, तो उस गमले में पहले इसमें लाल में मैट भर के लेके आई हूँ, और मैं उठाने गई तो मेरे को भगा दी, मेरे को मारने लगी, मतलब भगाने लगी, उसमें वो उठा रही थी, उधर कचरे का ढेर पड़ा हुआ उठाऊंगी। और मैं आ गई इधर ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, तो मैडम जी ये भी बैठ गई, और मैं जब भी काम करती हूँ सबसे पहले ये करने जाती है, वो मारा इधर मैंने झाड़ू लगा लिया, और उधर की साइड में मैंने बाजरा आधा आधा रास्ते में था उधर मैंने काट लिया, इधर से उधर काट लिया। आज मुझे काटना है उधर, अब उधर देख सकते हो गटर बाथरूम के पास, उधर की साइड मुझे आज काटना है, क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो रही है उधर, क्योंकि बाबा जी उधर मंदिर, तो सुबह सुबह जल वगैरह चढ़ाने जाते हैं तो गीले हो जाते हैं, पूरा पजामा वगैरह गीला हो जाता है, तो उधर से बोला मुझे काटने के लिए, उधर से मुझे काटना है, तो गोबर वगैरह उठा लूँ, गाय गाय को पानी पिला दूँ, और चाय वाय के बर्तन है, फ्रिज की बोतल वगैरह पड़े हुए हैं वो भी धो दूँ, तो उधर तक बने रहे वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पति देव जी का फ़ोन पूरी तरह से ये टूट चुका है, देख सकते हो, दो तीन दिन हो गया, पहले तो फोन बंद ही हो गया, तो पूरा खराब हो गया, मतलब क्या पता क्या दिक्कत हो गई, पूरा फोन खराब है। अब इधर से इधर लेकर के अक्षु खेलती रहती है। ये फोन पहले मेरा था, शादी के पहले मुझे ये फोन दिए थे, एक महीने पहले मुझे दिए थे, ये वाला फोन राजा से पड़ा हुआ है, उसके बाद जब अक्षु हुई थी मैंने उनको दे दिया, उसके बाद मैं पापा का फोन ले ली थी, और उसके बाद फिर मैंने दूसरा ले ही लिया। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, आपको मैं क्या दिखाती हूँ वीडियो के अंदर, तो बने रहे वीडियो में। तो चलो पहले कचरा वगैरह उठाती हूँ, गोबर वगैरह उठाती हूँ, फिर हम उधर मिलते हुए बाजरा काटने से, ठीक है। तो देखो फिर जा चुकी है ये, कभी भी शांत नहीं बैठती, कभी भी नहीं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, टाटा 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 कर दी टाटा। चलो गाइस मिलते हैं, काम कर लो, जल्दी 10 बज चुके हैं, तो भी काम भी पड़ा हुआ ही है, टाटा टाटा। तो पति देव जी का है फ़ोन ख़राब, दो तीन दिन हो गए, आने के बाद मेरा चला लेते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं है अभी, तो अभी आज तो कीपैड का लेके गए पापा का फ़ोन ले, क्योंकि फ़ोन करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो वो भी मैंने ना मतलब बहुत ही ज़बरदस्ती बोला, मतलब ले जाओ क्या बुराई, जरूरी थोड़ी टच वाला होता भी ले जाओ, फिर फोन वो कुछ भी मंगाना हो, कुछ भी बोलना हो, तो फिर किसके पास फ़ोन करके दूसरे के पास अच्छा भी लगता है, इससे दो बार करती है, तो मैं तो नहीं करती, लेकिन उधर से कर देते हैं, फिर भी अच्छा लगता। उधर मेरे बर्तन पड़े सुबह के चाय गए, और छाछ वाल मैंने किया वो, और इधर इधर पड़ी है मेरी बोतलें, बाल्टी बाल्टी में भर देती हूँ, और जो भी जितने भी बर्तन रहते हैं उस गमले में डाल देती हूँ, जो सही रहता है, क्योंकि एक 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 फिर छूट जाता है, फिर मैं सारे सारे बर्तन इकट्ठे करके उसमें डाल देती हूँ। और तो मिलते हैं भी थोड़ी देर बाद, मैं बातें बातें काटूंगी तब, क्योंकि वीडियो वाला ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मुझे काम भी करना है, 10 बज चुके हैं, तो अभी मैं जो बच्चे बच्चे छोटे मोटे काम बचे हैं वो मैं कर लेती हूँ, तो मिलते हैं भी थोड़ी देर में। 2000 years later. सो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ खेत के अंदर घास वास काटने के लिए, कि जो अपन हमने बाजरा लगा रखा है उसके अंदर इतना ज़्यादा घास वास हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा, और जिधर मैं काट रहा हूँ उधर भी तो बहुत ज़्यादा है, और उधर हमारा मंदिर है तो उधर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सुबह सुबह, तो मैं सोची क्यों ना काट भी दूँ, और पति देव जी बोले थे इसको काट देना, फिर आने जाने में क्या दिक्कत नहीं रहेगी, और अक्षु वगैरह भी जाती है, ही सूर जाती है, ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि जिधर मैं काट रही हूँ उधर ना लकड़ियाँ वकड़ियाँ पड़ी है खूब सारी, तो फिर शाम वगैरह का भी डर लगता है, और अभी मैं काट रही तो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कहीं शाम अपना निकल जाए, क्योंकि इधर की साइड में कुआँ वगैरह है तो भी डर लगता है, तो यहाँ पे मैं फटाफट काट लेती हूँ। जिस टाइम अभी काट रही हूँ उसमें हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, और सब लोग सो रहे मैं ही काट रही हूँ, तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा आपको, तो यहाँ पे देखो मैंने काट लिया इतना सारा, ये वाला रास्ता वहीं पे मंदिर है जो मैंने काटा है, क्योंकि आने जाने पर दिक्कत होती है, तो यहाँ पर मैंने सारा काट लिया है, और मैं बांधने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बंध ही नहीं रहा मेरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने बुला लिया पापा को बांधने के लिए, पापा को मैंने कम से कम 5-10 मिनट हो गए उनको बुलाते बुलाते, तब जाके लास्ट में आए, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा मैं काट चुकी हूँ। सो गाइस फाइनली मैं कोई डेढ़ घंटे दो घंटे से मैं काट रही थी, उसके बाद अंदर आते ही इतनी भयंकर गर्मी लगने लगी, पूछो ही मत, फिर मैं पानी की बोतल निकाली पीने लगी, लाइटें भी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, और मैं पूरे पसीने में भी चली थी। यहाँ पे मैं काट रही हूँ पुट्टी, हमारी मशीन है जो पीछे की साइड रखा हुआ और अभी नहीं निकाले हैं, जिस वजह से फिर हम लोग को यहाँ पे आकर काटना पड़ रहा है मेरे को, तो यहाँ पे हमारी कटवारी मेरे को धोली भाई, जो मुझे हर टाइम हर चीज़ के लिए दोनों बहनें कभी
कुछ नहीं मना करती, हमेशा ही खड़ी रहती, कुछ भी काम बोल दो कभी नहीं मना करती थी। यहाँ पे देखो मेरी कुट्टी भी कट चुकी है, और चाहे मैं कितना ही काम कर लूँ लेकिन मेरा ना कोई नाम होता है ना होता है, फिर भी लोग मुझे बोलते हैं कि बस फ़ोन चला लो, ये कर लो। लहर जब काम कोई करता है तब पता चलता है कितना काम होता है नहीं होता है, लेकिन घर हो बाहर हो सुनने को मिलता ही मिलता है मेरे को। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं अनदेखा करती हूँ अपने आप को ही, मैं अपने आप में चल सकती हूँ, मेरे में ही कोई कमी होगी क्या पता। तो यहाँ पर मैं काट वाट के लेके आ चुकी हूँ, अब मैं डालूँगी चारा वारा, क्योंकि सुबह नहीं काटी थी मैं, सुबह तो मैं काट ही देती लेकिन मैं कुट्टी वगैरह नहीं कटवा के ले गई थी। तो यहाँ पे मैं पोट है ना मैं तो खोल देती हूँ, फिर मुझे देना भी है चारा वगैरह। तो मेरे गले में होने लग गया, सिर में दर्द, देखिए आई मैं इधर से। उसके बाद मैं काट वाट के मतलब नहाने धोने चली गई थी, फिर नहाया धोया थोड़ा बहुत रेस्ट करी, उसके बाद मैं कुट्टी काट के लगी हूँ। अब गेरूंगी, इनको चार बज चुका है। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूध निकालूंगी क्योंकि चार बज चुके हैं और बारिश का मौसम हो रखा है। मैं जब काट रही थी काटते काटते बारिश हो गई थी। तो शाम के टाइम में मैं वहीं से लेके आई थी करुंदा, आलू पड़ा था लेकिन मैं सुनी क्योंकि ना करेंदे की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि खट्टी मीठी मुझे बहुत पसंद है, खट्टी मीठी सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैं करुंदा लेके आई थी, तो जो अक्सु है ना मतलब उठा उठा के फेंकी जा रही थी। यहाँ पे मैं चूल्हे पे बना रही हूँ, कढ़ाई में मैं सब्ज़ी सुबह बनाई थी, मिर्ची मतलब फ्राई की थी इसके अंदर, तो उसी कढ़ाई के अंदर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, मेरा हाथ भी जल गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो अक्षु मेरे को कदम भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और ना ही कोई पकड़ने वाला जो पकड़ ले, और किसी को बोल भी तो पकड़ने के लिए तो फिर ऐसा हो जाता है कि पूछो ही मत। तो मैं साथ साथ ही लेके रहती हूँ और साथ साथ ही काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा करुंदे के अंदर वो जीरा वगैरह दे करके फ्राई कर लिया है, उसके अंदर हल्दी मिर्ची नमक धनिया वगैरह जो भी मैंने उसको दे दिया है। और करुंदे तो इतनी जल्दी गल जाते हैं ना, इतनी जल्दी गल जाते पूछो ही मत। यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल दिया है, तो वो डब्बे इसु रसोई में पहुँचा रही है। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने चिल्ली, हल्का सा डाल दिया पानी जिससे फ्राई हो जाए। आप लोग करुंदे की सब्ज़ी कैसे बनाते हो मुझे बताना। और करुंदे इतने ज़्यादा पके हुए थे ना, रेड रेड हो गया था। यहाँ पे देख सकते हो अक्षु सारे डब्बे अंदर लेके गई है, मेरा काम करवा देती है, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा फैला भी देती है। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़े बहुत हल्के हल्के गलने लग गए हैं करुंदे, तो हल्के हल्के करुंदे गलने भी लग गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने चीनी थोड़ा सा और डाल दिया, सोचे कम होगा। तो यहाँ पे ना इसको काम करने के लिए इसको रिश्वत देना पड़ता है, तो इसको मैंने थोड़ा सी चीनी खिला दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे करुंदे भी हो गए, वहाँ पे मैंने आटा निकाल के रख दिया, इसको और चीनी खाना है लेकिन मैं मना कर रही हूँ क्योंकि इतनी भी चीनी खाएंगे तो फिर अच्छा नहीं रहता है। तो इसको मैं बोल रही हूँ रखने के लिए, लेकिन वो लेके गई है दादा के पास कि भाई दादा तो मुझे खोल के खिला ही देंगे, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि इतना भी चीनी मतलब अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेरे करुंदे की सब्ज़ी हो गई थी मतलब बनाई रही थी, इधर इसु दोनों मैंने लड़े जा रही थी, पढ़ ही रही थी। ईशु को तो जब से स्कूल भेजती हूँ तो थोड़ा हल्के हल्के पढ़ लेती है, तो इसको ऐसा कुछ तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब पेंसिल वगैरह पकड़ना, कॉपियों का केयर करना, पहले तो कॉपी वगैरह फाड़ देती थी लेकिन अब केयर वगैरह कर लेती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 00 लग बना रही है, एफ फॉर एप्पल वाला जो अक्षर है वही बस बनाना आ रहा है अभी तो फिलहाल, लेकिन अभी तो वो भी नहीं बना पा रही, नहीं तो कभी कभी वो बना लेती है। तो इसके लोग लगा हुआ है जुकाम, क्योंकि स्कूल सुबह सुबह मैं स्कूल भेजती हूँ तो नहलाती तो हूँ नहीं, आने के बाद मैं नहलाती हूँ तो फिर जुकाम लग गया शाम के टाइम। और ये देख सकती हूँ मैं आटा निकाली थी, आटा लगाने के लिए आटा निकाली थी, तो देख सकते हो इसने क्या हालत कर दी, मतलब कुछ भी काम हो ना तो इतना मतलब फैला देती है, पूछो ही मत। तो मैं इसको समेटती हूँ, अच्छे से वीडियो लेकर के आऊँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।